नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से और क्यूज कैसे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, लगातार बिजनेस अपडेट भी आ रहे हैं एक के बाद एक, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आगे हम शो में बताएंगे। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र और उसकी उससे जुड़ी पहली रणनीति भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और इस वक्त शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो वो हरे निशान में है, करीब 65 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। अन्य बाजारों पर नजर डालेंगे तो हांगकांग के बाजार सपाट हैं, लाल निशान में कारोबार हो रहा है वहाँ पर। जापान के बाजार में 600 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है। चीन के बाजार भी सपाट ही क्लोज ओपनिंग का संकेत दे रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं। और अन्य मार्केट्स की बात करें और शुरुआत करेंगे यूएस मार्केट से, तो वहाँ से संकेत काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन हमने देखा कि डाउ जोन्स में 300 अंकों की तेज़ी देखने को मिली। नैसडैक और S&P 500 में भी 1% से ज़्यादा की बढ़त हुई है। हालांकि पूरा हफ्ता काफ़ी वीक था और नेगेटिव क्लोजिंग ही यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन शुक्रवार का दिन काफ़ी अच्छा था और लगातार जो हम गिरावट देख रहे थे उससे एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला। वजह ये थी, वहाँ पर मजबूत जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आए और कहीं ना कहीं बाजार का फोकस अब ब्याज दरों में कटौती के बजाय इकोनॉमी की स्थिति पर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। क्योंकि अब यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग तो दिखाई दे ही रही है, मंदी की जो चिंता सता रही थी कुछ समय पहले वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अब बाज़ार पूरी तरीके से स्ट्रांग इकोनॉमी का आंकड़ों पर फोकस करता हुआ नजर आया और इस वजह से हम वहाँ पर अच्छी तेज़ी देख रहे थे। मार्च में 3 लाख नई नौकरियाँ जुड़ी, 2 लाख का अनुमान था। वेजेस में भी 0.3% की बढ़त और 4.1% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली, जो कि अनुमान के मुताबिक ही थे। तो जॉब रिपोर्ट्स काफ़ी मजबूत थे जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। हालांकि अगर लास्ट पूरा वीक की बात करें तो 2024 में अमेरिकी बाजारों के लिए पिछला वीक बहुत ही खराब रहा। डाउ जोन्स में पिछले हफ्ते 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, S&P 500 में करीब 1% और नैसडैक में भी 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। ये हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। अब मजबूत जॉब रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं, उसके बाद महंगाई की चाल कैसे होती है इसको काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा बाजार आने वाले इस हफ्ते में। यूरोप के बाजार देखें तो यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली, तो कमजोरी के संकेत यहाँ पर हैं। डैक्स इंडेक्स में करीब 1.25% की गिरावट और बाकी दोनों इंडेक्सेस में भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। मजबूत जॉब रिपोर्ट के बाद बॉन्ड यील्ड्स में 4.4% के पार ये आंकड़ा निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हमने स्टॉक स्पेसिफिक नहीं देखा। सोने में रिकॉर्ड स्तर अभी भी जारी है, लगातार तीसरे हफ्ते सोने में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ते जारी है ईरान और इसराइल के बीच, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी नरमी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन $91 के पास हमने देखा और तेल के दाम 5 महीने के ऊपरी स्तर पर आ चुके थे। स्पेशली यूएस क्रूड के जो दाम है वो $87 के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सप्लाई को लेकर कमी अभी भी जारी है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के बाद सबसे ऊपरी लेवल्स पर इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल को लेकर कंसर्न्स अभी कम नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत नरमी आई है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से डेवलप हो रहा है मिडिल ईस्ट में अभी भी एक चिंता बनी हुई है कच्चे तेल की चाल को लेकर, जो कि भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन कुल मिला के बात करें तो आज संकेत ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि पिछले काफी पूरा हफ्ता हमने देखा कि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। अब शुक्रवार के सेशन में तो यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं, इसको देखते हुए आज भारतीय बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे FIIs और DIIs के आंकड़े। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में FIIs खरीदारी करके गए 1660 करोड़ की, लेकिन उसके सामने DIIs की तरफ से बिकवाली हुई है और 3370 करोड़ की बिकवाली का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 220 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 11381 करोड़ की खरीदारी हुई है FIIs की तरफ से। तो FIIs वापस आते हुए दिखाई दिए मार्केट में।
लेकिन अब इन तमाम डेटा को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी मार्केट का बहुत ही शानदार रहा, हालांकि निफ्टी ने कुछ पॉइंट्स में गेन नहीं किया बट के कन्विक्शन में अपने आप को बनाए रखा और बाजार ने 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। आपको ध्यान है हमने 550-650 का एक रेजिस्टेंस बैंड बनाया हुआ है आपके लिए और वो रेजिस्टेंस बैंड इस तरह से वर्क कर रहा है कि आप दो बार उससे टकरा के आए लेकिन उसको भी पार नहीं कर रहे। आपके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई है बल्कि 500 के ऊपर की क्लोजिंग है लेकिन अभी भी 550-650 की रेंज पार करना बाकी है। एक चीज की आपको भी बहुत अच्छे से खुशी हो रही होगी कि कभी भी हमने आपको शॉर्ट नहीं करवाया और दूसरा आपसे ये बोले रखा कि पोजीशंस को आप होल्ड करके रखो, आप थोड़ा भी अब तपस्या करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। फाइनली मार्केट के अंदर जब ऑल टाइम हाई लग रहे हैं तो उसका फल मिल रहा है। ये आपको बैंक निफ्टी के अंदर आज देखिएगा, बैंक निफ्टी कैचअप रैली कर रहा है। आपको मालूम है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जब निफ्टी फ्लैट था बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 500 पॉइंट करीब करीब ऊपर जाके बंद हुआ हुआ है। इसने ना केवल 48,000 के ऊपर की बैक टू बैक क्लोजिंग दी बल्कि 48,200 के ऊपर की क्लोजिंग दी। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 526 का है, 48,526 का, तो अभी ये करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज अगर गैप मिला तो बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। तो जो हम आपसे कह रहे थे बात कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई कई बार टेस्ट कर चुका है बट बैंक निफ्टी ने काफी दिनों बाद, मैं बोलूंगा दिसंबर के बाद, ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है करीब करीब 3 महीने के बाद। तो ये एक अच्छा मूव है, मार्केट्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऑल टाइम हाई पे आ जाएंगे। साथ ही एक कॉशियस स्टांस और बोलूंगा कि अगर आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तो आप कर सकते हैं और अगर आपको होल्ड करना है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बाजार के अंदर और कवरिंग आएगी तो वो भी आ सकती है क्योंकि डाटा कुछ इस तरह का है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, तो एफआईएस की होल्डिंग के अंदर ऐसा पोजीशन है कि वो 44-45% के आसपास है, रिटेल भी 44-45% के आसपास है। तो दोनों मेजर इंस्टीट्यूशन एफआईएस एंड डीआईएस दोनों 45-45% के आसपास है, रिटेल के पास करीब 54% का हिस्सा है। ये टिपिकली बुलिश पैटर्न है यानी कि जो आप देखते हैं कि इनके पास होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। और दूसरा इवेंट से पहले की है, इवेंट हमने बहुत अच्छे से पास किया है पॉलिसी वाला, अभी इलेक्शंस का इवेंट इसी महीने शुरू होगा और अप्रैल सीरीज मार्च के मुकाबले अभी तक तो काफी बेहतर चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक और चीज है कि अपने बैन में करीब बैंकिंग स्टॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं जैसे बंधन बैंक, उस पर एक न्यूज भी है आपने देखा होगा। तो करीब 4 शेयर एफएनडो बैंड में है इंक्लूडिंग। और दूसरी बात कि बाजार चलने के बाद महंगा हो गया है, मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाने का महंगा हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1.32 पीसीआर पे आ चुका है और 1.5 पे वो महंगा हो जाता है। तो आज ऑल टाइम हाई जैसे बैंक निफ्टी का लगता है तो बैंक निफ्टी अपने आप में थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली आपको कॉशियस स्टांस के साथ आप इंजॉय कीजिएगा आज ऑल टाइम हाई। और हो सकता है निफ्टी थोड़ा बहुत अभी आपको और भी चर्न करता हो, देखिए इसी रेंज में निफ्टी अगर आप पीसीआर अभी महंगा नहीं हुआ है। रही बात कुल मिला के मार्केट के सेटअप की, तो सेटअप ठीक है, ऑप्शन से ट्रेडिंग करने वालों को कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेटअप अच्छा लग रहा है और जो होल्डिंग्स अभी डिम्पी बता भी रहे थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड दिखा रही है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए। एक आध स्टॉक्स में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी सारे बैन में आ चुके हैं, एफएनओ बैन लिस्ट में है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए और इम्पोर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको दोनों ही इंडेक्स के लिए बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। अब बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं येस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बताइए क्या व्यू बन रहा है, कैसे ट्रेड करें आज दोनों ही इंडाइसेस में और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए अपनी। सुप्रभात पूजा जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। शुरू करना चाहूंगा निफ्टी से। हमारे पिछले हफ्ते निफ्टी ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ डिस्प्ले किया था और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद इसने 22,619 का एक लाइफ टाइम हाई भी लगाया है। उसके लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद भी ये 22,500 के लेवल को मेंटेन कर रहा है, तो मुझे यहाँ से लगता है निफ्टी 22,750 से लेकर 22,800 जोन तक जा सकता है। निचले स्तर पे सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 22,300 से लेकर 22,200 जोन तक। जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें बुलिश व्यू ही मेंटेन रखना है।
अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ तो काफी तीन चार दिनों से ये निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डिसेंडिंग लाइन ब्रेकआउट देने के बाद भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्म नजर आ रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 47,700 से लेकर 47,500 जून के ऊपर ट्रेड करता है तब तक चांसेस रहेंगे एक नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। वहां पर थोड़ा सा हमें कॉशियस स्टेंस लेना पड़ेगा न्यू लाइफ टाइम हाई के पास जो कि 48,636 के आसपास आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी 48,635 के ऊपर सस्टेन करता है तब फिर हमें इसमें 49,300 से लेकर 49,500 जून तक के लेवल नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे तो रियलिटी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया था, फ्राइडे को भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो सबसे पहला मेरा स्टॉक इसी इंडेक्स से है जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, प्लस इसमें बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर टू डेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो मुझे लगता है कि ये अपने अपसाइड ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये बुलिश हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी 2710 के लेवल को टच कर सकता है। सो स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए 2490 से लेकर 2500 के जोन के आसपास, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 2710 का, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2390 का। दूसरा सेगमेंट है फर्टिलाइजर स्पेस से। अगर हम UPL, कोरोमंडल, GNFC के स्टॉक देखेंगे इसमें अच्छी खासी तेजी आई है। सो मेरा दूसरा स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से ही रहेगा जो कि है चंबल फर्टिलाइजर। इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है बुलिश बेल्ट होल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और ये अगर हम इसका वीकली ट्रेंड देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो हमें चंबल फर्टिलाइजर बाय करना चाहिए 377-380 जोन के आसपास, और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 402 का, और हमें इसमें 367 के स्टॉप लॉस मेंटेन रखने हैं। धन्यवाद पूजा जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और चंबल फर्टिलाइजर्स, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और इस बीच ढेर सारे चौथी तिमाही के अपडेट आ रहे हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए, सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है टाइटन की Q4 अपडेट जो है बहुत स्ट्रांग आई थी, और ओवरऑल उनके जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है यहाँ पे डिलीवर होने वाली है वॉल्यूम ग्रोथ आपके हाई सिंगल डिजिट पे, यानी कि लगभग 7 से लेकर 9% तक, और जो सेल्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो जो है आपका मिड सिंगल डिजिट में आ सकता है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 7% तक का। इंडिया ऑर्गेनिक बिजनेस के लिए भी कॉमेंट्री अच्छी रही है। अदानी विलमार की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, डबल डिजिट ग्रोथ आपके खाने और एडिबल ऑयल सेगमेंट दोनों में आया है। नायका की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए हैं, जो GMV होती है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस में, वो लगभग अर्ली 30s में आया है, यानी कि 30 से लेकर 34% तक के जो है ग्रोथ देखने मिला है, और जो ब्यूटी सेगमेंट है वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। सिग्नेचर ग्लोबल की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे प्री सेल्स 240% बढ़ा और कलेक्शंस और रियलाइजेशंस में भी बढ़ोतरी हुई है, बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। और वही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बात करें तो BFSI स्पेस में हमने छाटा है, जहाँ पे दिखा है कि ओवरऑल डिसबर्समेंट 17% हुआ है, AUM लगभग 35% का ग्रोथ हुआ है। वही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी एडवांसेस और डिपॉजिट्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, और ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है, और कासा रेशियो का भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये जो थे ओवरऑल हमने कुछ अहम अच्छे और मार्केट मूविंग Q4 अपडेट्स आपके लिए लाए हैं। बिल्कुल, तो आज ये सारे क्वार्टरली अपडेट हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, इसका असर आज बाजार पर दिखेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में भी जो है फोकस सबसे पहले विप्रो में रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी एग्जिट हुई है, थियरी देलापोर्टे ने रिजाइन कर दिया अपने CEO के पद से, और ये अपनी रेसिग्नेशन जो है जून 2025 में होनी थी, पर उन्होंने जो है एक साल से पहले ही रिजाइन कर दी। यहाँ पे श्रीनिवास पलिया को नए CEO के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया है, और ये पहले विप्रो के जो है आप CEO कह सकते हैं जो इंटरनली आया है, 2016 में लास्ट टाइम ये देखने मिला था, और ऑलरेडी जो है ये जो है कंपनी के पार्ट जो है लंबे समय से हैं। बंधन बैंक में देखें तो CS घोष यहाँ पे जो MD CEO हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो कि उनकी टर्म की कंप्लीशन हो गई है इसीलिए, लेकिन इसमें जो है वो एक स्ट्रैटेजिक रोल पे आने वाले हैं, तो ग्रुप के साथ तो वो जुड़े ही रहेंगे,
और बोर्ड ने हालांकि उनकी रीअपॉइंटमेंट जो है 3 साल के लिए वो अप्रूव कर दी थी नवंबर लास्ट ईयर को, और ये जो बातचीत चल रही थी परमिशन की वो आरबीआई के साथ ऑलरेडी था। बट ओवरऑल जो है ऑफकोर्स थोड़ी डाउनग्रेड्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंधन बैंक के लिए। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 140 करोड़ इक्विटी शेयर आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि उनके प्रमोटर को देने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट 12% प्रीमियम पे है। कंपनी लगभग 2,075 करोड़ रेज करेगी प्रमोटर से, और उसके कारण जो प्रमोटर का स्टेक है वो ऑलमोस्ट 17.5% से बढ़ के लगभग 20% हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहने वाला है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो जो उनकी आम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अप्रैल 24 को एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग करने वाली है जहाँ पे वो डिस्कशंस करने वाले हैं जो मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होता है आरबीआई के रूल के हिसाब से। नेस्ले इंडिया के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने रॉयल्टी रेट बढ़ा दिया है, अब पहले जो था 4.5% था, अब बढ़ा के कर दिया है 5.25%। लेकिन जो रॉयल्टी रेट है स्टैगर्ड मैनर में 5 साल तक चलने वाली है, जो आखिरी हाइक हुआ था वो 2013 में देखने मिला था। रॉयल्टी फीस अगर आप फॉरेन कंपनी के या उनके पार्टनर को देते हैं तो एक टाइप से आपके एक्सपेंसेस में इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी फोकस में रहेगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल ज़्यादा जो है जो रेस कर रहे हैं, इसका फ्लो प्राइस है लगभग 111 रुपये। जो बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उत्पल सेठ, एम्बेसी ग्रुप, क्वांट म्यूचुअल फंड, पूनावाला फाइनेंस, इन सब की बड़ी बैकिंग आ रही है। और इसके अलावा रेसिडेंशियल एसेट्स भी लेने वाले अपनी ग्रुप आर्म से, जिसका कुल वैल्यू जो है 1,850 करोड़ होने वाला है। एम्बेसी पार्क्स REIT भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूव दे दी कि वो 3,000 करोड़ रुपये रेस कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, और उन्होंने लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट का जो एसेट है चेन्नई के एरिया में उनको भी अक्वायर किया है। और आखिर में जी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट रैशनलाइजेशन चल रही है और हमने लास्ट 2-3 हफ्ते से देख रहे बड़े एग्जिट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे MD और CEO ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीन हो गया, नहीं कॉस्ट कटिंग होगी, और लगभग 15% वर्कफोर्स जो है वो ले ऑफ भी होगा। तो इसके कारण जो है स्टॉक में ऑफकोर्स थोड़ी इम्पैक्ट भी देखने मिल सकती है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज हैं जो आपके आज रेडार में होने चाहिए। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी अहम खबरें आज आई हैं और उसका पूरा एनालिसिस अभी शेयर करके आपको बता रहे थे। इंपॉर्टेंट खबरें थी ओवर द वीकर, उसका इम्पैक्ट आज ज़रूर दिखेगा इन तमाम स्टॉक्स में। जी एंटरटेनमेंट, बंधन बैंक, नेस्ले, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिससे जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं, इस पर भी आप नज़र रखें। रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव हैं पूरी डिटेल्स लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए 28% का EPS CAGR हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उनका मानना है कि कहीं पे बैंक का ROA और ROE भी कहीं पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आगे के सालों में, और इसी के लिए एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सही वैल्यूएशन पे है अभी फिलहाल के लिए बैंक। उसके अलावा बात करते हैं टाइटन की, क्योंकि हमें Q4 के अपडेट्स मिले हैं टाइटन के, जहाँ पे हमें देखा कि एक ग्रोथ देखने को मिला था कंपनी में जो कि ज्वेलरी बिजनेस की वजह से देखने को मिला था। उसके अलावा सेम स्टोर ग्रोथ भी है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है कंपनी का। वॉचेस एंड वेरेबल्स में कहीं पे वीक ग्रोथ देखने को मिला था इस क्वार्टर में, और इसी के चलते हुए JP Morgan ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 3,950 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो गोल्ड प्राइसेस में राइज है इसकी वजह से एक डिमांड वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके। और मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम देखें तो इक्वल वेट ट्रेडिंग जो है वो उन्होंने मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,290 रुपीज़ दिया है टाइटन के लिए। अगली बात करते हैं मारिको की, जहाँ पे फिर से हमने एक Q4 के अपडेट्स देखे थे, जो कि जहाँ पे हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा था इस कंपनी में। उसके अलावा जो कमेंट्री जो आई है कंपनी की तरफ से वो एक इनलाइन कमेंट्री थी मैक्वेरी के व्यू पॉइंट में। उसके अलावा उनका मानना है कि आगे जाके हमें EBITDA में 15% ग्रोथ देखने को मिल सकता है Q4 में, और इसीलिए उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ पे रखा है। उसके अलावा बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे और टारगेट प्राइस भी कट करके 170 रुपीज़ किया है, और इसका मेन रीज़न ये है कि हमने देखा कि जैसे CEO और MD जो है उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया है कंपनी को, और इसके वजह से कहीं पर उन्हें एक हेडविंड देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि आगे जाके एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक के लिए ग्रोथ के लिए, और इसी के चलते उन्होंने ये जो डाउनग्रेड है रेटिंग वो किया है बंधन बैंक के लिए। और अगली बात करते हैं विप्रो की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने अंडर परफॉर्म
रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 415 रुपीस का दिया है। तो इसमें भी हमने देखा कि सीईओ ने जो है अभी चेंज होने वाला है सीईओ, और ये जो इंटरनल कैंडिडेट है सीईओ के लिए जो चूज़ किया है वो एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के व्यू पॉइंट में, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर ये जो इंटरनल एलिवेशन है वो एक अच्छा फिट है कैंडिडेट सीईओ के पोजिशन के लिए, और इसी की वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है आगे कंपनी में। तो आगे जाके इन्हीं सब ब्रोकरेज नोट्स के ऊपर हम भी इन सब कंपनीज पे हमारी नजर बनाई रखेंगे। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो कुछ बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। वहां पर हमारा रवि से संपर्क नहीं हो पाया है, रवि दियोरा से, लेकिन उनके पिक्स हैं हमारे पास जो उन्होंने ट्रेड्स सुझाए हैं वो हमारे पास हैं। और कॉपर पर बेस मेटल्स में उनकी खरीदारी करने की सलाह है, 808 के लेवल्स देख रहे हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 797 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं कॉपर में, टारगेट होगा 808 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 790 में। और सोने चांदी में उनकी प्रिफर्ड बेट है सिल्वर पर, चांदी पर, क्योंकि सोने में ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी देख चुके हैं, एक लगातार रनअप बना हुआ है, तो उसके बजाय अगर आप सिल्वर पर नज़र रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सिल्वर अब देखिए 80,000 के पास पार निकल चुका है, अभी भी तेज़ी के मौके दिखाई दे रहे हैं, और अगर सिल्वर में आपको ख़रीदारी करनी है तो 80,300 के पास मिले तब आप एंट्री लीजिए सिल्वर में। जो टारगेट सुझा रहे हैं वो 81,500 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 79,800 का। तो सिल्वर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, करेक्शन में खरीदारी करके चलिए आप चांदी में। और इसके अलावा तो कॉपर और सिल्वर में यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। उनसे बात नहीं हो पाई तो हम सोने पर और क्रूड पर भी उनका व्यू लेते हैं। हालांकि क्रूड में हम देख रहे हैं कि $89 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है कच्चा तेल, जो कि भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा नेगेटिव है। हल्की नरमी ज़रूर आई है तो ठीक ठाक ही आज, लेकिन ओवरऑल कंसर्न बना हुआ है कच्चे तेल की चाल को लेकर। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि 2% तक की तेज़ी क्रूड में देखने को मिली थी। चलिए आगे कमोडिटी मार्केट में हम क्रूड पर आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए। फिलहाल इस शो में इतना है।